Welcome back, students. We have covered the shaper machine. Now we will discuss about the planer machine. So the planer machine, in planer, the workpiece mounted on the table reciprocates and the tool remains stationary. Like in shaper machines, we have studied the tool reciprocates and the workpiece is in rest. So planer में क्या होता है? Planer में जो हमारा workpiece होगा, वो टेबल के ऊपर रहेगा और टेबल हमारा क्या करेगा, उसको रेसिप्रोकेटिंग मोशन देगा और जो हमारे टूल्स होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, जो हमारे टूल्स होते हैं फॉर परफॉर्मिंग कटिंग ऑपरेशन, वो हमारे स्टेशनरी पोजीशन में रहते हैं, राइट? जो क्लीनर मशीन्स होती हैं, उनको हम यूज करते हैं टू हैव फॉर द हैवी वर्क पीसेस. हैवी वर्क पीसेस के लिए हम प्लेनर मशीन का यूज करते हैं, जैसे कि शेपर मशीन्स में हम जो हमारे स्मॉल ब्लॉक्स होते हैं उनपे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज में लाते हैं, बट जो प्लेनर मशीन्स होती हैं उनमें हैवी ड्यूटीज के लिए हम यूज करते हैं. नाउ लेट्स कम टू द टाइप्स ऑफ प्लेनर्स. प्लेनर्स आर क्लासिफाइड इनटू फाइव कैटेगरीज. द फर्स्ट वन इज डबल हाउसिंग प्लेनर, ओपन साइड प्लेनर, पिट प्लेनर, डिवाइडिंग टेबल प्लेनर एंड एज प्लेनर. So let's start one by one. Double housing planers क्या होते हैं? Double housing planers में जैसे कि हमारे पास diagrams बना हुआ है, जो diagram में ये diagram है, ये double housing का diagram है. इसमें क्या होता है? हमारे पास दो housings होती हैं, दो columns होंगे, उनके ऊपर जो हमारे होते हैं side tools, side tool heads and एक vertical tool head लगा हुआ होता है, जिससे कि हमारे cutting operation perform होता है. और जो table होती है वो हमारी रेसिप्रोकेटिंग मोशन करेगी एज यूजुअल, जो हमने बताया है प्लेनर्स के अंदर. बट इन ओपन साइड प्लेनर्स में क्या होगा, जो हमारे दो हाउसिंग्स थे, अब वो वहां पे क्या रह जाएगा, एक रह जाएगा, है ना, जो सेकंड जो उसकी साइड है वो ओपन रहेगी. दैट इज व्हाई दीज आर कॉल्ड ओपन साइड प्लेनर्स, राइट? बाकी जो ऑपरेशन है वो सिमिलर, राइट? द नेक्स्ट वन इज पिट प्लेनर. पिट प्लेनर के अंदर क्या होता है, पिट प्लेनर में हम एक पिट क्रिएट करते हैं यहां पे, इस तरीके से एक पिट क्रिएट होगा. ये क्यों करते हैं, जिस ताकि जो हमारा टेबल है, ये जो टेबल है इसका जो सरफेस है वो इसके इससे कोइंसाइड करे, जिससे कि जो हमारे हैवी वर्क्स होते हैं उनको हम यहाँ पे माउंट कर सके, जिससे कि जो इसकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी है या फिर कहें कि लार्जर अमाउंट जो हमारे वर्क पीसेस होते हैं उनको हम यहाँ पे एडजस्ट कर सकें, उनका हम यहाँ पे प्लेनर के साथ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें, राइट? द नेक्स्ट वन इज डिवाइडेड टेबल प्लेनर. डिवाइडेड टेबल प्लेनर में क्या होगा, यहाँ पे दो टेबल्स होंगे प्लेनर के अंदर, प्लेनर मशीन के अंदर, जिनमें से कि जब एक हमारा रेसिप्रोकेट कर रहा होगा और दूसरा हमारा जब स्टेशनरी पोजीशन पे होगा, तो जो हम टूल जो वर्कपीस हम माउंट करते हैं, जो वर्कपीस हम सेट करते हैं टेबल के ऊपर, वो हम उस दौरान कर लेंगे. तो ऑपरेशन होते होते ही दूसरे टेबल पे हमने क्या कर लिया, अपना जो दूसरा वर्कपीस जिस पे हमको काम करना है उसको हमने माउंट कर लिया. तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा सेटिंग टाइम होता है वो रिड्यूस हो जाता है, राइट? तो यहाँ पे क्या होगा, दो टेबल्स होंगे, एक रेसिप्रोकेट कर रहा होगा तो दूसरा हमारा स्टेशनरी पोजीशन में होगा, और जब हमारा दूसरे का हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होंगे तो पहला वाला हमारा क्या होगा, स्टेशनरी पोजीशन में होगा. तो क्या किस लिए यूज करते हैं इसको, टू रिड्यूस द सेटिंग टाइम, राइट? द नेक्स्ट वन इज एज प्लेनर. एज प्लेनर लिटिल बिट डिफरेंट होता है इन सभी से, क्योंकि इसमें क्या होगा, इसका जो हम यूज करते हैं वो एजेस को रिमूव करने के लिए करते हैं सरफेस से. जैसा कि हमने बताया था कि बाकी सभी प्लेनर्स के अंदर क्या होगा कि टूल हमारा मोशन नहीं करेगा, बट इसके अंदर क्या होता है, जो हमारा टूल होता है वो कैरेज के ऊपर लगा होता है, तो कैरेज को हमें मूव कराना होता है टू रिमूव द एजेस फ्रॉम द वर्कपीस. सो एज प्लेनर का हम यूज करते हैं सो दैट द एजेस कैन बी रिमूव फ्रॉम द वर्कपीस. थैंक यू. नेम इज रविंद्र. Here I'm teaching workshop technology second, and today's topic to discuss is shaper machine. The shaper machine is a machine tool that is primarily used for producing a flat or plane surface which may be
हॉरिजॉन्टल सरफेस, वर्टिकल सरफेस और एंगुलर प्लेट. एंड वी ऑल्सो यूज सेवा मशीन फॉर मेकिंग स्लॉट्स, ग्रूव्स एंड कीवेज फॉर प्रोड्यूसिंग काउंटर ऑफ कंटूर ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव शेप्स एंड ऑल्सो कॉम्बिनेशन ऑफ दीज. In this lecture, we will study about the classification and the mechanism that we use in the SEPA machine. Now, we will study about the working principle of SEPA machine. The job is rigidly fixed on the machine table. Here, we have the table and we have the vise to hold the workpiece. Workpiece we have attached to it. And then there is a tool which is single point cutting tool जो हम use करते हैं saper machine के अंदर, and it is mounted in the tool post, and tool post is mounted on this ram. This ram reciprocates, the motion of this ram is reciprocating motion, and this ram does two strokes. First one is forward stroke and another one is return stroke. And these strokes happen during the quick return motion mechanism, which is obtained with the help of gears and the lever or slotted lever crank mechanism. And this forward stroke, if this ram is going in the forward stroke, then the cutting action will take place, and in the return there is no cutting action, and that is why we call that return stroke as idle stroke. We have the ram clamping nut, which is used to restrict the motion of this ram. अगर हमें रैम के मोशन को रेस्ट्रिक्ट करना है, रोकना है, then we will use this ram clamping nut. And here is the tool feed handle that is used to provide feed to the tool so that we can plane the surface and we can have larger depth of cut. And this cross transverse handle we use for restrict the motion of this sliding support. We have adjustable sliding support to locate the workpiece and to have the better positioning of the workpiece. And we have the base, which is made up of cast iron, so that there is, because of the resisting property of the cast iron. And this is all about the SEPA machine working principle. As we have discussed, the mechanism that we use in the SEPA machine is quick return mechanism. Quick return mechanism के अंदर क्या होता है? क्विक रिटर्न मैकेनिज्म के अंदर ये है कि जो हमारे स्ट्रोक्स हो रहे हैं इन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन, तो जो हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन जिसमें हमें कटिंग करनी है, दैट विल बी टेकिंग लार्जर टाइम एज कंपेयर टू द रिटर्न स्ट्रोक. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ सेपर. दीज सेपर्स आर क्लासिफाइड इनटू वेरियस कैटेगरीज, लाइक द फर्स्ट वन इज बेस्ड ऑन द ड्राइविंग मैकेनिज्म, based on the ram travel, based on the table design, and based on the cutting stroke. So we will start with the based on the driving mechanism. Based on the driving mechanism, we have categorized the sapers into three categories. First one is crank type. In crank type, we use a different levers and slotted levers to have the mechanism to convert the circular motion into the reciprocating motion of the ram. And we have two types of mechanism to have the quick return mechanism. The first one is Whitworth quick return mechanism, and also the crank and slotted lever mechanism. The second one, which is a gear type. In this type of saper, we use rack and pinion arrangement to have the reciprocating motion, to convert the circular motion into the reciprocating motion. And in hydraulic type of saper, we have the piston rod arrangement, in which we have a high pressure liquid oil which operates the ram, through which we have the saper driven, right? And now based on the ram travel, we categorized it into two categories, the horizontal saper and the vertical saper. हॉरिजॉन्टल सेपर्स के अंदर, जैसा कि हमने यहाँ बनाया हुआ है, हॉरिजॉन्टल सेपर के अंदर क्या होगा, जो हमारा रैम होगा वो हॉरिजॉन्टली ट्रेवल करेगा, और जो कटिंग होगी वो भी हॉरिजॉन्टली कटिंग होगी. एंड इन वर्टिकल सेपर्स लाइक स्लॉटर्स, इट विल हैव द वर्टिकल मोशन, एंड द मोशन विल बी इन द वर्टिकल डायरेक्शन,
and the cutting action will take place in that particular axis also. And the next one is based on the table design. इसको हमने दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया है, स्टैंडर्ड सेपर एंड द यूनिवर्सल सेपर. इट इज बेस्ड ऑन दैट व्हिच टाइप ऑफ टेबल वी आर यूजिंग, लाइक दिस टेबल. एंड वी हैव टू टाइप्स ऑफ टेबल्स, लाइक फर्स्ट वन इज द स्टैंडर्ड टाइप ऑफ टेबल एंड द सेकंड वन इज यूनिवर्सल. व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन दीज टू? इन स्टैंडर्ड टेबल वी कैन हैव टू टाइप्स ऑफ मोशंस, लाइक आर जो टेबल है वो हमारा मूव कर सकता है इन वर्टिकल डायरेक्शन, ऑल्सो इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. टू सेट द वर्कपीस ऑन अ पर्टिकुलर पोजीशन, लाइक राइट, सो वी कैन हैव अ वर्टिकल मोशन एंड द हॉरिजॉन्टल. दिस इज इन द केस ऑफ हॉरिजॉन्टल स्पिन, sorry, in standard shaper tables. And in universal tables, the universal shaper, we have the universal table which have the vertical, horizontal, and we can have inclined motion. Inclined motion of the workpiece, and also it can swivel on its own axis also. Right, so this is the basic difference between standard and universal sweepers. Now we will come to the based on the cutting stroke. It is divided into two categories, post type and draw cut. Post cut and draw cut, it is the important, generally it is asked in questionnaires, and the companies also sometimes ask you the question, what is post type and what is the draw cut sweepers. So in push cut shapers, the action of cutting takes place in the forward direction, in the forward stroke, right? We have also studied that the shaper, the ram has two types of strokes. First one is forward stroke and then another one is return stroke. So if the cutting action takes place in the forward stroke, then that shapers will be come under the category of push cut type, right? And the draw cut type is and in draw cut shapers, the cutting action takes place in the return stroke, and the forward stroke will be the idle stroke in the case of draw cut shapers. So this is the basic classification of shapers. So next machine that we will be discussing is slotting machine. Slotter is a vertical type of shaper in which the ram, the travel of the ram is in vertical direction. This slotter is used to make slots, grooves, splines, and jaws that cannot be conveniently held inside the shaper can be machined with the help of slotter. So this is the basic purpose of slotter. Here are some parts of slotter, like base, which is made up of cast iron, and this is the motor which gives the power to the whole mechanism, and this rotational motion is converted into the reciprocating motion with the help of again quick return motion mechanism, in which there are two strokes, forward stroke and a return stroke. Again, the forward stroke in the slotter is a cutting stroke, and the return stroke is a idle stroke, in which there will be no cutting action takes place. And as we also, I have already told you that this tool will cut the tool will machine the surface in vertical direction, and this is the table, and tool is held into this tool holder which is mounted in the ram, and this is the configuration of this slotter. Now we will be discussing about the specification of slotting machine. The specification of a slotter have the diameter of rotary table. There is a table, this rotated table, the diameter of this rotary table,
the capacity of electric motor, it is also concerned with the specification of floor. The floor space required for the setup of the slaughter machine. The table travel in cross and longitudinal direction. Now, there are two ways of traveling of this table. Well, one is in longitudinal direction and another one is in cross direction for the sake of the machining of the surface. So this is all about the slaughter machine. This is the travel of the rat in a slotting machine is less as compared to the saper machine. So this is the basic difference, or it is similar type of saper machine, but the motion of the ram is in vertical direction, and also the stroke, the travel stroke of the ram is less as compared to the saper machine.